सर आज पैरा जंपिंग हुई है यहाँ, कितने लोगों ने भाग लिया और कैसा रहा सब कुछ, आपने भी किया है? तो एनसीसी कैडेट्स का आज पहला पैरा जंप था। तकरीबन 42 कैडेट्स आए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स देश के विभिन्न हिस्सों से, और मेरे को भी सौभाग्य मिला उनके साथ जंप करने का। कैसा रहा और कहाँ कहाँ से लोग थे? हमारे 17 डायरेक्टरेट है जिसमें हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, तो हर जगह से आए हैं इसके अंदर कैडेट्स। अंशु यादव, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। हाँ, पहला रहा आपका? हाँ, फर्स्ट इस एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस रहे सब बहुत अच्छा रहा, जितना मतलब इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाया था वो सब मतलब करें तो बहुत अच्छा है, कोई चोट नहीं लगी हमें, कुछ नहीं हुआ। कितने दिनों से ट्रेनिंग ले रही थी आप? सब 12 दिन से ग्राउंड ट्रेनिंग। कितनी ऊंचाई से चला? सब 1250 फीट से। एक ड्रीम होता है कि चलाना, कितने संबंध से पहले कितना एक्साइटेड थी आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, डर भी था थोड़ा, लेकिन जब ग्राउंड ट्रेनिंग किया तो सारा डर चला गया। क्या लगता है कि खासकर विमेंस की जो एनसीसी में, तो उनको और जो लड़कियां, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगी कि मेहनत करो और आगे आओ तो बहुत अच्छा है। एनसीसी के थ्रू हम आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में, बहुत अच्छा है, इससे हमें बेनिफिट भी मिलता है एनसीसी का। आपने क्या सोचा है? मैं तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगी। क्यों सर? मेरा ड्रीम है इसलिए।